महान महान संत सिद्धेश्वर हनुमान पीठ के मठाधीश और अपने क्षेत्र के लाडले विधायक, मैं तो उनको सरस्वती पुत्र समझता था। ये तो दुर्गा की शक्ति भी इनके अंतःकरण में विद्यमान है। आदरणीय अजीत मांडन जी, आदरणीय नाथ सिंह जी जोधा साहब, आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी राजगी और यहाँ विराजमान महंत और पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथी और बहनों, वास्तव में ये बहनें जो है एक सा वस्त्र पहन करके यहाँ पर आई है, तो ये भी एक अलग से और बहुत शानदार दृश्य है। इनके मन में भी आपके प्रति बहुत विश्वास है कि ये हमारी सेवा करेंगे। और आदरणीय गोपाल जी ने जो दायित्व निभाया, जो दायित्व प्राप्त किया और आप सबका जो इन पर आशीर्वाद रहा, और इन्होंने जन सुनवाई के लिए एक सेवा भवन का आज जो यहाँ पर उद्घाटन किया, मैं सोचता हूँ कि ये एक अनुकरणीय कार्यक्रम आपने रखा है, अनुकरणीय कार्य किया। हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों को इसी जनता आपसे बहुत ही उम्मीद रख करके बैठी है। जनता ये मानती है कि हमारा जन सेवक हमारी समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। और जिस प्रकार से अभी आपने उद्बोधन किया, आपने बताया कि जो आपने हम पर विश्वास किया, हम उस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं और निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार का विश्वास इन्होंने दिलाया। देखिए, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है आदरणीय गोपाल जी का, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, मैं बचपन से इनको जानता हूँ। शिक्षा पूरी करने के बाद साधु वेश में, इन्हें साधु बन करके घर बार छोड़ करके और सन्यासी जीवन जीने के लिए मेरे पाली क्षेत्र में आ गए थे। और पाली में इन्होंने अपना जो युवा का जो क्रीम पीरियड होता है, वो समय पाली में इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसके बाद में आप तो सरस्वती पुत्र है तो कलमकार बने, कलम के धनी बने,